हाई एवरी वन, आई एम माधुरी एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ विश केयर के हेयर ग्रोथ सीरम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। सो, इस वाले सीरम की बात करी हूं मैं, इसको मैंने खुद ही परचेज करा था अमेजोन से। मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैंने इसको खुद ही परचेज करा, ये कोई भी ब्रांड का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। एंड इसको लेने का सिर्फ यही रीजन था क्योंकि ये काफी ज्यादा वायरल था एंड काफी सारे लोग क्लेम कर रहे थे कि ये काफी अच्छा वर्क करता है। तो लेट्स सी मेरे लिए कैसा वर्क करा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। एंड मैंने इसको अमेजोन से लिया था, तो अमेजोन पर अभी इस टाइम पर काफी ज्यादा अच्छी सेल चल रही है एंड फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग काफी सेल चल रही है, तो आप चाहो तो इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हो। नाउ मैं आपके साथ अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देख लो। सो गाइस, इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, ये इस तरह से कार्डबोर्ड काइंड ऑफ पैकेजिंग में आता है। ये इनका हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट है, इसमें एक और भी आता है, वो मैंने ट्राई नहीं करा। इसका MRP 999 है, विच मीन्स 1000 का ये प्रोडक्ट है। सेल पर ये आपको डिसेंट अमाउंट में मिल जाता है, 30 ml का ये प्रोडक्ट है। इसका जो टेक्सचर है वो जेल जैसा लगता है बट वाटरी कन्वर्ट हो जाता है, जैसे सीरम होते हैं ना स्किन पर लगाने पर काफ़ी इजीली वाटर में कन्वर्ट होकर स्किन में पेनिट्रेट हो जाते हैं, इसी तरह से ये स्कैल्प में पेनिट्रेट हो जाता है। इसका जो बॉटल है वो आप देख सकते हो, इसका जो स्प्रे है वो काफ़ी प्रिसाइजली स्प्रे करता है एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रोडक्ट स्कैल्प में। नाउ ये आपको 3 months तक रेगुलर यूज़ करना है, इन्होंने मेंशन करा हुआ है। मैंने इसकी एक ही बॉटल यूज़ करी है जो कि अभी फिनिश नहीं हुई है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जो हेयर फॉल है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। सो इसमें 3% रिडेंसल है, जो रिडेंसल होता है वो स्कैल्प में न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। एंड जितने भी अदर इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन करे हैं वो भी सेम वर्क करते हैं, हेयर फॉल कंट्रोल करते हैं, न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में आपकी हेल्प करते हैं। सो ओवरऑल इसका जो टेक्सचर है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। डेली यूज करती थी इसको तब भी मुझे ऑयली नहीं लगता था अपना स्कैल्प, इसका टेक्सचर मुझे काफ़ी पसंद आया है। इसको लगाने के बाद मुझे हेयर वॉश नहीं करना पड़ता है तुरंत ही, एंड मैं काफ़ी बार रीअप्लाई कर लेती हूँ, 2-3 दिन लगातार लगा लेती हूँ, तो ये चीज़ मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी है। एंड ओवरऑल ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रहा है, हेयर फॉल कंट्रोल करने में तो काफ़ी हेल्प करा है इसने मेरी। एंड रीग्रोथ का मैं अभी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको 3 month तक रेगुलर यूज़ नहीं करा था, बट जितने भी दिन यूज़ करा मेरे हेयर फॉल में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रीग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करेगा। एंड मैं आगे आपको अपडेट देती रहूँगी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कि एक्चुअल में ये कैसा वर्क कर रहा है, एंड मैं कुछ कंपेरिजन वीडियोज़ भी लेकर के आऊंगी और भी हेयर सीरम्स का। सो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि एक्चुअल में ये कैसा वर्क करा। हेयर फॉल में तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। सो गाइस, आपने इसकी पैकेजिंग एंड इसका एप्लीकेशन देख लिया होगा। सो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है मेरे लिए वर्क तो काफी अच्छा करा है, मतलब हेयर फॉल कंट्रोल तो हुआ था मेरा इससे, काफी अच्छा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ था, बट हेयर ग्रोथ उतनी ज्यादा मेरे को दिखाई नहीं दी। आई थिंक मैं इसको रेगुलर यूज करूंगी, काफी सारी बॉटल्स फिनिश करूंगी, उसके बाद मुझे इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। एंड अगर इसके प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये 1000 rupees का है, 999 rupees में ये आता है। 50% ऑफ पर भी कई बार ये मिल जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द 500 rupees मुझे थोड़ा ठीक लगा है। 30 ml काफी चल जाता है क्योंकि मैं काफी दिनों से यूज कर रही हूँ, वो बात अलग है कि मैं डेली यूज नहीं करती थी, बट मुझे फिर भी इसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, मेरा हेयर फॉल काफी हद तक कंट्रोल हो गया था। बट एक इसका डिसएडवांटेज है, मैंने इसको जब भी लगाना बंद करा है कुछ टाइम बाद मुझे हेयर फॉल फिर से देखने के लिए मिलता है, बट उतना ज्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल नहीं हुआ मेरा। सो मेरा हेयर फॉल तो काफी अच्छे से कंट्रोल करा था इसने, एंड मैं ये जेन्युइनली आपसे कह रही हूँ, हो सकता है किसी किसी के लिए वर्क ना करा हो बट मेरे लिए तो काफी अच्छा वर्क करा है एंड मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है, तो मैं इसको रेगुलर यूज करूंगी एंड इसकी मैं और भी परचेजेस करूंगी एंड देखूंगी कि मेरे हेयर ग्रोथ में कितना ज्यादा ये बेनिफिशियल होता। अभी हेयर फॉल में तो काफी अच्छा रहा मेरे लिए ये, एंड थोड़ा बहुत है कि जब आप इसको लगाना बंद करते हो, जैसे अगर मैं 15 डेज का गैप दे देती हूँ इसको लगाने के लिए, तो मुझे फिर से थोड़ा थोड़ा सा हेयर फॉल होने लगता है, विच मीन्स आपको इसको रेगुलर यूज करना होगा एंड थोड़े लंबे टाइम तक यूज करना होगा जिससे आपका हेयर फॉल थोड़ा सा स्टॉप हो जाए। एंड मुझे लगता है कि आप चाहो तो गैप दे देकर यूज कर सकते हो उसको, क्योंकि काफी हद तक ये हेयर फॉल को कंट्रोल कर देता है। सो गाइज, दैट्स ऑल इस वाले प्रोडक्ट के लिए, मेरा यही रिव्यू था एंड मुझे ये प्रोडक्ट काफी पसंद आया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप लोगों ने ये वाला प्रोडक्ट यूज करा हो तो आपको कैसे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।